यार ये फिर हम काम करवा लें, जब फाइनल अडा हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान शिराज ब्लॉग्स। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स की जो टेंशन है अल्लाह ताला सारी दूर करे, इनका तो फल जितनी मर्ट पर टेंशन है अल्लाह ताला सारी दूर करे। चैनल पर मेरे नए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लाजमी तो नहीं करते हो कैसे लगे वीडियो अपने अंत तक देखने, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो यार ये मेरे आपको ना पीछे स्टिक नज़र आ रही होगी, ये देखें ये पिजन्स के लिए हम अड्डा लेके आए हैं। रात को पापा गए थे तो ले आए हैं, तो मामू को मैंने बुलाया था तो वो कहे थे मैं रात को आऊँगा, नहीं तो आज दिन को ही लग जाता, तो इंशाल्लाह रात को अड्डा लग जाएगा, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। माशाल्लाह, और यार आज 10 नंबर ने जो परवाज़ दी है कसम से, मैं कहता हूँ इतना मज़ा आया ना, सही उड़ा है, पीछे गया इधर गेड़े, दो गेड़े लिए, फिर मैं डर गया, फिर मैंने बैठा लिया। हाँ हाँ, तो इंशाल्लाह एक आपके लिए सरप्राइज़ है, तो वो मुझे काफ़ी दिन से मैं कोशिश करता आए आए, उससे पिजन्स ना हिल जाते हैं जल्दी अच्छे। तो गाइस ये है बांस, ये स्टोर में हमने रखे हुए हैं, जब मामू आएंगे फिर इनको बाहर निकालेंगे। ये दो कितने के हैं, ये दो जो 14-14 फुट के हैं, ये जो है ये 7 फुट के हैं। ये तो गाइस अभी हमने ना चेक करने के लिए इधर लगाया है, वो कहाँ तक अड्डा जा रहा है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आगे इंशाल्लाह नज़ारे नज़ारे हैं, अभी अड्डा लगा के फिर लाइटिंग भी करनी है। ये देखें गाइस माशाल्लाह नीला जोड़ा ऊपर बैठा दिया, और किधर जा रही हो, इधर आओ, ये अच्छा था आप लोगों की उस कोने पे, किधर जा रहे हो, हाँ आगे आगे, यार उतारते नहीं अभी इनको बैठा रहने देते हैं। देखें गाइस माशाल्लाह, और चप्पी मार दी ना, अभी मामू आए हैं, ये डंडे से उधर नीचे चली गई, खैर अल्लाह का शुक्र है वापस आ गया। ये देखें गाइस माशाल्लाह मामू आ गए, और आज ये अड्डे का काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। देखें गाइस यार ये दोनों फीमेल्स ना मुझे सुस्त लग रहे हैं, ये एक जो पकड़ी है और एक मेरे घर की बट्टी है, पता नहीं क्या हुआ है इनको, और दोनों है भी इकट्ठी घूम रही हैं। गाइस माशाल्लाह गब्बर सिम्बा खोल दिए, और चिंटू का भी थोड़ी देर तक खोलेंगे, एप्पल खा रहे हैं जो चिंटू ने छोड़ा, सेब लेके ये चला गया और दूसरा वो चला गया, अलग अलग खा रहे हैं। ये फीमेल इधर आई हुई है, वो अपने पुराने घर गया हुआ बेबी, वो 11 नंबर के दो बेबी, ये देखें नीला जोड़े की नहीं समझ आ रही, काफ़ी देर दिनों से ना पेटी में, ये तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं बैठ रहे, लेकिन अंडे अभी तक नहीं उतारे। 10 नंबर दोबारा अंडों पे आ गया, तो इनकी समझ नहीं आई, ये ना ये देर है ना वो देर है, पता नहीं क्या है। माशाल्लाह ये देखें दो बच्चे 16 नंबर की पेटी में, आपको नज़र आ रहे होंगे येलो, वो देखें, और दो इधर हैं, हेलो, चिंटू भी खोला, और चिंटू यहाँ पर घूम रहा है बाहर गब्बर सिम्बा से डर के, यहाँ पर घूम रहा है, ये देख अंदर चला जा, चल चिंटू अंदर, इसकी आदत है यहाँ इस कॉर्नर पर बैठते हैं, फिर पिंजरा उठा के हम ना इसके मुंह के आगे करते हैं, फिर इधर से जंप करके अंदर चला जाता है, पिंजरा इतना वजन है, डायरेक्ट इसको आदत हो ना, इस चलते चलते पिंजरे के अंदर चला जाए। देखें गाइस मैं इधर था, चिंटू आगे खड़ा होता है, मैं जैसे ही आगे आया थोड़ा सा चिंटू उधर अंदर चला गया, बहुत अच्छी बात है ये तो यार, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कटोरियाँ जो है ना ये नीचे इनकी इधर हैंग करूँ, ये भी, फिर चिंटू खड़े होकर खाए, फिर चिंटू का स्टैंड अच्छा बनेगा। गाइस माशाल्लाह जो दाना था ये सारे माशाल्लाह खा गए, अच्छी बात है, ज़ाया नहीं होने देते ये। देखें गाइस चिंटू बंद हो गए, आज गब्बर सिम्बा को पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं बंद हो रहे, चलो अंदर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करो, मेरे चैनल उस्मान शाह को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। तो यार अड्डा आज नहीं लगा, तो वो डंडा हम पापा काम ले आए थे, तो कल या परसों पता नहीं अब कब लगेगा, तो अगले ब्लॉग के लिए मुझे दीजिए, तब तक फीम आने ला।